त्योहारी सीजन में जगह जगह मिठाइयों की दुकानें सजने लगी हैं। इन दिनों में लोगों के बीच अलग अलग तरह के त्योहारों पर मिठाइयों की खूब डिमांड रहती है। इन्हीं डिमांड से और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कई दुकान वाले मिलावटी मिठाई भी बेचना शुरू कर देते हैं, जिसे खाने पर सेहत संबंधी कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाया करता है। आमतौर पर मिलावटी मिठाइयां देखने में तो वैसी ही होती हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। जानकारी के अभाव में हमें ये पता भी नहीं चलता कि कौन सी मिठाई असली है और कौन सी मिठाई नकली। होली का त्योहार है और ऐसे में मिलावट खोरी चरम पर होती है। हर चीज में मिलावट आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस मिलावट से हमारे शरीर को क्या नुकसान होता है, ये जानने के लिए हम डॉक्टर आदर्श के पास में हैं और ये क्वालिटी कंट्रोल भी हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर इस मिलावट खोरी से हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान होते हैं और किस तरह से इससे बचाव करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, त्योहार आते ही देखा जाता है कि मिलावट खोरी चरम पर होती है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? त्योहार आते काफी देर, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ जाती है। सबसे बड़ा इश्यू रहता है डिमांड बहुत बढ़ जाती है, इसी वजह से मिलावट ज्यादा होने लगती है। इसलिए कोशिश, डिमांड बहुत बढ़ जाती है, सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि जो डिमांड, उसकी वजह से जो हम खरीदते हैं उससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। उसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग है, डायरिया है, वोमिटिंग है, या एब्डोमेन पेन है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी अगर हम ये चीज़ें खाते हैं तो उसकी वजह से ये चीज़ें होने की संभावना, सबसे पहले हमें कोशिश, अगर बाई चांस ये चीज़ें हो जाती हैं तो हमको नियर किसी डॉक्टर के पास जाके सलाह ले लेनी चाहिए, या ज़्यादा दिक्कत हो जाती है या ज़्यादा डायरिया या लूज मोशन हो जाता है तो हमको किसी नियर हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखा के वहां पे एडमिट हो जाना चाहिए। डॉक्टर, देखा गया अगर ये बड़े पैमाने पे लोग मिलावट करते हैं तो और इससे क्या गंभीर बीमारी हो सकती है और किस तरह से बचाव करें? सर, अगर ये चीज, अगर डायरिया काफी ज्यादा हो जाता है तो हमारी शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से कभी कभी मरीज की जान भी जा सकती है। इसके लिए हमको तुरंत हॉस्पिटल में जाके उसका प्राथमिक उपचार कराना चाहिए। प्राथमिक उपचार के थ्रू हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। डॉक्टर, होली का त्यौहार है तो ऐसे में लोग रंगों का और गुलाल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी बड़े पैमाने पर मिलावट होती है, तमाम तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, तो आखिर उससे क्या हमारी त्वचा को और आंखों को किस तरह से नुकसान पहुंचता है और किस तरह से हमें बचना चाहिए? रंगों की वजह से हमारे शरीर में सबसे ज्यादा स्किन एलर्जी होने की वजह से हमें ऐसे रंग का यूज करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह ना हो। जैसे बहुत सारे लिक्विड वाले जो रंग आते हैं, अगर हमारी आंख में चले जाते हैं तो हमारी आंख में रेडनेस, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो उस समय हमको सबसे पहले ये करना चाहिए, किसी साफ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, उसके बाद कोई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप रखा हो तो इसको यूज करना चाहिए, उसके बाद नियर किसी आई वाले डॉक्टर के जाके हमको दिखा लेना चाहिए ताकि हम अपनी आंख की ठीक कर सकें। और डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें मावे की, जो कि भारी मात्रा में होली और दीपावली पर भारी मात्रा में वो बनाया जाता है, तमाम केमिकल युक्त दूध भी इस्तेमाल होता है जिसकी तरह से ये पनीर और खोया ये सब बनाया जाता है, तो आखिर इससे किस तरह से नुकसान पहुंचता है? अगर ज्यादा डिमांड होने की वजह से लोग इस तरीके केमिकल ये सारी चीजें मिलावट करने, उससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर हम उस टाइप का दूध या खोवा यूज करेंगे तो हमें ये सारी, बहुत सारी बीमारियों से दिक्कत होने लग सकती है। अगर केमिकल ज्यादा हार्मफुल है तो और सारे। होली के मौके पर रंग वाली मिठाई भी बाजारों में खूब दिखाई देती है। कई मिठाइयों में ज्यादा रंग होता है तो देखते ही पहचान में आ जाया करती है, क्योंकि उनका रंग चटक लाल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मिलावटी रंग का खतरा पिस्ते की मिठाई में होता है। अगर लड्डू आदि का रंग बिल्कुल अलग लगे तो उसे लेने से बचें। वहीं थोड़ी सी मिठाई को दबा कर देखें और देखें कि रंग हाथ में तो नहीं लग रहा। और अगर आपके हाथ में रंग लग रहा है तो समझिए उसमें रंग मिला हुआ है। इसलिए जो मिठाई हल्के रंग की है वो तो ठीक है। तो हमें सारी, बहुत सारी बीमारियों से दिक्कत होने लग सकती है। अगर केमिकल ज्यादा हार्मफुल है तो और सारे नुकसान हो सकते हैं। डायरिया, लूज मोशन तो कॉमन चीजें जो होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अच्छा, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक आप सुझाव दें होली पर कि किस तरह से वो अपनी हैप्पी होली मनाएं। सभी लोगों से ये निवेदन है कि कोशिश यही करें कि घर से बने हुए सामान का ही सारे लोग यूज करें और जो रंगों का सिलेक्शन करें, हो सके तो गुलाल का ही यूज करें, कोई केमिकल वाले रंग यूज ना करें। बिल्कुल, आइए थे हमारे साथ में डॉक्टर आदर्श, जिन्होंने बताया कि इस होली हम किस तरह से हैप्पी होली मनाएं और जो केमिकल युक्त रंगों की बात हो या जो मिलावट खोर काफी सक्रिय हो जाते हैं, तो तमाम मिलावटी सामान की बात हो, उससे हम किस तरह से बचें, अगर आप इसका शिकार हो जाते हैं तो उससे किस तरह से हम अपना बचाव करें। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। चांदी वर्क को लेकर कई खुलासे होते रहते हैं। वर्क की पहचान करने के लिए
उसे हाथ में रगड़ें और अगर वर्क चांदी का होगा तो रगड़ते ही मिठाई से अलग हो जाएगा और अगर वर्क चांदी का नहीं होगा तो मिठाई में चिपका रहेगा। मिठाई में चिपका हुआ वर्क एल्युमिनियम का हुआ करता है, इसलिए मिठाई खरीदते वक्त अच्छे से जांच कर देख लें और हो सके तो घर पर ही मिठाई तैयार करें, तभी आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। त्योहारों पर मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए मिलावटखोर काफी सक्रिय हो जाते हैं, जिसके चलते चाहे वो सिंथेटिक दूध हो, चाहे वो पनीर हो या खोया हो, उसमें तमाम तरह की मिलावट करते हैं ताकि भारी तादाद में वो अपना मुनाफा कमा सके। हालांकि ये मिलावटी मिठाइयाँ हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक साबित होती हैं। इस बार तो होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार पर लोग रंगों और गुलालों तक मिलावट करना नहीं भूलते हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि ऐसे मिलावटखोरों से सावधान रहें ताकि आप अपने त्योहारों को हंसी खुशी मना सकें। विश्व हैप्पी होली।